Молодец, Мурзабан! Мурзабан! Молодец, Мурзабан! 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 लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि वो अय्याशी वाले कौन विधायक या कौन वहाँ पे वीआईपी जाते हैं जो लड़कियों की मांग करते हैं, उनका भी काला चिट्ठा खुलना चाहिए। इस उत्तराखंड के अंदर उनकी भी बिल्कुल क्लीन चिट होना चाहिए कि कौन इस तरह से लड़कियों का देह व्यापार करवाना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर। और जिस लड़के ने इस तरह का की करते हुए करा, क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? उसके बाप बार बार उस लड़के को सह देता है। वो लड़का पहले भी फंस चुका है कई केसों में। ये इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए न्याय मिलने में। तत्काल इनको फांसी की सजा हो, तभी मुख्यमंत्री 2024 में विधान लोकसभा का चुनाव है, हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। लड़की के भाई को नौकरी मिले और उनको 1 करोड़ रुपए सरकार दे। कुकृत्य भाजपा के शासन में हुआ, भाजपा के राज्य मंत्री, बड़े शर्म की बात है कि 3 बार भाजपा ने उसको राज्य मंत्री बनाया, उसके बेटे को राज्य मंत्री बनाया। ये इसीलिए राज्य मंत्री बनाया, भाजपा के सांसद मंत्री विधायक एक अय्याशी का अड्डा बना दिया। ये रिसोर्ट जो है उस जंगल में रिसोर्ट की किसने परमिशन दी? वो रिसोर्ट वैधानिक है कि नहीं? उसका मानचित्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है कि नहीं? डीएम एसपी वहाँ के सीओ ये सब क्या देख रहे हैं? सब वहाँ अय्याशी का अड्डा बना रखा है। मैंने अमिताभ के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए सरकार दे अगर सरकार में दम है, और इन तीनों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। तीनों ही ज्वालापुर थाने के निवासी हैं, तीनों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया जाए। रिसोर्ट पर खाली पंजा मारा गया लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हम रिसोर्ट तोड़ रहे हैं। रिसोर्ट कहीं नहीं तोड़ा गया। उत्तराखंड में देवपुत्री सुरक्षित नहीं रह सकती है, और वही उसी को भी मतलब ऐसा कर सकता है। तो ये समझिए सारे के व्यवसाय पे, सबके ऊपर ये अपराध सभी को ऊपर माना जाएगा। इसलिए ऐसा कोई अपराध न करे, उसको तुरंत पुलिस चौराहे पर खड़ा होकर गोली मारे, जो विश्व में संदेश जाए। उत्तराखंड में अपराध करने वाला 1000 बार कांपे, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, चाहे वो स्वयं किसी रूप में हो, चाहे वो संत रूप में हो, उसको भी गोली मार दिया जाए। अगर ऐसा अपराध करने वाले को कभी क्षमा और विचार या फास्ट कोर्ट या एक कोर्ट हम नहीं चाहते। Thank you.